हेलो हाँ मिया, हाँ सलाम वालेकुम। हाँ जी कैसे हैं आप? प्लेसमेंट एजेंसी से बोल रहे हैं? हाय हुजूर, हमें कुछ मरीज चाहिए हाँ अपने क्लिनिक के लिए, कुछ हो तो भिजवा दे। हाँ जी हाय 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 हाय, ये हाय हाय किस लिए हो रही है रहमान? मैं समझ रहा था हमारा नसीब बदल गया, लेकिन कुछ नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला। मरीजों की किल्लत पहले भी थी और आज भी है। अम्मा मैं तो यहाँ खामखा फंस लिया हैं। मेरा तो वो तंबू वाला दवा खाना ही अच्छा था, सड़क के किनारे मरीजों की लाइन लगी रहती थी। हाँ कब्रिस्तान में भी मरीजों की लाइन लगी रहती थी, आपके हाथों मरने वालों की। हाँ अब तेरा नंबर लगने वाला। हेलो हेलो हेलो, खुदा का शुक्र है एक मरीज तो आया। हेलो, हमारी आवाज क्यों नहीं आ रही? हेलो, आप मरीज हैं? अमर रहमान मियां, अम्मा कैसे बेवकूफाना सवाल करते हैं आप? अरे दवा खाने में मरीज ही तो आएंगे, ये कोई कंपनी बाग थोड़ी है कि हर कोई मुंह उठा के घूमने चला आए। हाँ तो हुजूर कहिए, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी, क्या तकलीफ है आपको? तकलीफ के बारे में भी खूब पूछा डॉक्टर साहब आपने। प्रॉब्लम क्या है कि इनकमिंग तो हो रही है लेकिन आउटगोइंग नहीं हो रही। अच्छा मम्मीया, ये कौन सी बीमारी है? मुझे तो ये जानलेवा बीमारी नजर आती है ना डॉक्टर साहब? अरे बिल्कुल ठीक फरमा रही है मोहतरमा, बिल्कुल ठीक। आउटगोइंग ना होने से लगता है कि पूरा सर्किट ही उड़ जाएगा। अरे डॉक्टर साहब बैटरी तो फुल चार्ज है लेकिन खर्च नहीं हो रही। अरे बरखुरदार, तुम्हारी बीमारी तो बड़ी खतरनाक है। अरे ये तो तुम्हें मौत की दहलीज तक पहुंचा चुकी है, ये तो मैं समझ चुका हूँ। देखा देखा नाज़नीन, हमारे डॉक्टर सियानिस्तानी कितने सियाने हैं, ये समझ चुके हैं कि बीमारी है क्या। ये तो मैं समझ चुका हूँ लेकिन बीमारी है क्या? हाँ पर जिसमें सर्किट उड़ जाता। संभल के नाज़नी, लगता है सर्किट फटने वाला है। रहमान तू इनको पकड़। नाज़नी हम दोनों यहाँ से भाग चले हमेशा के लिए, इस दवाखाने से भी छुटकारा और रहमान से भी आ जा। मैं इतना बावला भी नहीं हूँ कि इनके साथ फट जाऊँ। ऐसा डॉक्टर आप है ना, आप इन्हें संभालिए, मैं और नाज़नी बाहर जाते हैं। अम्मा मैं किसी दवाखाने में आया हूँ या पागल खाने में? अरे डॉक्टर साहब मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि बैटरी फुल है, ओवर चार्ज हो गई है, आउट गोइंग नहीं हो रही, लेकिन आप है कि मर्ज को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। ठहरो मियां ठहरो, हाय 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 हाय, मैं समझ गया, तुम्हारा मर्ज इतना पेचीदा है कि इसको समझने के लिए पूरी तह तक जाना पड़ेगा और इसका एक ही तरीका है। पूछो क्या क्या? इसके लिए मुझे ऑपरेशन करना पड़ेगा, तुम्हारे जिस्म के दो फाड़ करके उसके अंदर घुसना पड़ेगा, उसमें से मर्ज बाहर निकालना पड़ेगा और फिर तुम्हारे जिस्म को सिलना पड़ेगा। जिस्म को खोलने की फीस 1,00,000 रुपया और वापस सिलने की फीस 50,000 रुपया। टोटल हुए 1.5 लाख, पहले जमा करा दीजिए। वो भी कैश? कब्ज की शिकायत है और आप ऑपरेशन करेंगे और फीस 1.5 लाख रुपए? हाय 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 हाय, पहले क्यों नहीं बताया मियां, इनकमिंग आउटगोइंग, आपको कब्ज की शिकायत है? मैं इतनी देर से यही तो समझा रहा हूँ कि इनकमिंग तो हो रही है, यानी कि खा पी तो रहा हूँ, लेकिन आउटगोइंग यानी बस 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 बस, समझ गया मैं, समझ गया। चलो डॉक्टर साहब को मर्ज तो समझ में आया, शायद अब ये भी समझ में आ जाए कि कब्ज की शिकायत कैसे दूर होगी। नाज़नी तुम नर्स हो, नर्स के दायरे में रहो। आप ही ने तो कहा था कि तुम पर कोई बंदिश नहीं है और तुम मेरी कुर्सी पर भी बैठ सकती हो। नाज़नी मरीज के सामने नहीं बात में। हाँ अगर मरीज ना हो ना तो भले ही डॉक्टर साहब के सर पर तबला भी बजा लेना। टिक-टिक-टिक-टिक, कंपाउंडर अपनी वर्दी में रहो, बाहर निकलने की कोशिश मत करो। डॉक्टर साहब आप इलाज कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं? मैं यहाँ मरीज परेशान है और आप एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। अरे नहीं मियां नहीं, दरअसल हम लोग बड़े जॉली नेचर के हैं। मरीज के सामने हम मजाक करते हैं, इससे मरीज जो है वो अपनी आधी बीमारी तो भूल ही जाता है। अरे डॉक्टर साहब मेरा इलाज तो हो जाएगा?
अरे हुजूर उसकी आप फिक्र मत करें, इलाज तो यहाँ शर्तिया होगा शर्तिया। हमारे डॉक्टर साहब ना मजाक मजाक में इलाज कर देते हैं। मजाक मजाक में? आप इलाज की फिक्र ना करें, आप सिर्फ हमारी फीस की फिक्र करें। अरे उसकी फिक्र ना करें यार, ये बताइए प्रीपेड में लेंगे या पोस्टपेड में? अब ये प्रीपेड या पोस्टपेड क्या है? हमारा कमबख्त ये भी कोई बीमारी आउटगोइंग है इनकमिंग जैसी है। अरे मेरा मतलब है कि प्रीपेड यानी कि जो आपकी फीस है वो इलाज से पहले देनी होगी या पोस्टपेड यानी कि इलाज के बाद देनी होगी? अरे मियां, हाय 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 मियां, आप पहले कॉल वेटिंग पर डाल दीजिए। कॉल वेटिंग? मेरा मतलब है हुजूर तशरीफ रखिए। बस बस, अरे मैं भी खानदानी डॉक्टर सियानिस्तानी हूँ, पर आपकी बीमारी इतनी पेचीदा है मेरे पल्ले नहीं पड़ रही। ये आउटगोइंग इनकमिंग प्रीपेड पोस्टपेड व्हाट इज दिस? अरे डॉक्टर साहब, अरे क्या है कि मैं मोबाइल रिपेयरिंग करता हूँ ना। ओ बेटे, आप मोबाइल रिपेयरिंग के इंजीनियर हैं? तभी पोस्टपेड प्रीपेड इनकमिंग आउटगोइंग। नाजनी रहमान तुम हंसे नहीं? आप प्रीपेड फीस जमा कर दीजिए, फिर डॉक्टर साहब आपका इलाज शुरू कर देंगे। हाय 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 हाय, नाजनी कैसी बातें करती हो? हुजूर पहले मैं चेकअप करूंगा, उसके बाद देखूंगा, अगर मर्ज छोटा है तो बिल छोटा, अगर मर्ज बड़ा है तो बिल बड़ा। डॉक्टर साहब आपके यहाँ जीरो डेंटल स्कीम नहीं है? क्या बोलते हैं यार। मसलन कहने का मतलब ये है कि मैं जितनी कॉल करूंगा उतना ही बिल आएगा या मंथली रेंटल बिल तो नहीं लगा देंगे आप? हुजूर ये तो मैं पहले टेस्ट करूंगा, टेस्ट अगर छोटे होंगे तो बिल छोटा आएगा, टेस्ट अगर बड़े होंगे मेरा मतलब अल्ट्रासाउंड वगैरह और कुछ तो बिल बड़ा आएगा। ऐसा क्यों जनाब? हम समझाए देते हैं मियां, अगर आप लोकल कॉल करेंगे तो बिल लोकल का आएगा, अगर आप एसटीडी करेंगे तो बिल एसटीडी का आएगा, और अगर आप आईएसडी करेंगे तो बिल बहुत ज्यादा आएगा। समझ गए? समझ गए? अगर नहीं समझे तो रोमिंग चार्जेस भी बताऊं। कब्स की रोमिंग चार्जेस?